और मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। बीएचयू एडमिशन 2023 को लेकर के लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम जब पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं तो एक नया आइकन हमें दिख रहा है, उस आइकन में लिखा है एनटीए स्कोर और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो किसी को इलिजिबल शो कर रहा है, किसी को नॉट इलिजिबल शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या इलिजिबल होने का मतलब सिलेक्शन होना है, नॉट इलिजिबल होने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल करूंगा, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बीएचयू एडमिशन की हर एक अपडेट सूचना और जानकारी आपको यहां पर समय से और सही जानकारी मिलती रहेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले एनटीए स्कोर को लेकर के। इसके पहले जब पहले राउंड का कट ऑफ जारी हुआ था तो आपको आइकन एनटीए स्कोर का नहीं दिख रहा था, लेकिन कट ऑफ में बहुत सारी समस्याएं आई, जो एनटीए का स्कोर था और जो आप लोग अपने पोर्टल से स्कोर अपलोड किए थे उस दोनों में मैचिंग नहीं हो रहा था। इसलिए एनटीए का जो सॉफ्टवेयर था वहां से कनेक्ट किया है बीएचयू ने और अब जो डायरेक्ट एनटीए का स्कोर है वो आपके सॉफ्टवेयर में दिख रहा है। अब जैसे ही हम एनटीए स्कोर पर क्लिक करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को दिख रहा है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इलिजिबल, कुछ को दिख रहा है नॉट इलिजिबल। सबसे पहले जिनको नॉट इलिजिबल दिख रहा है, यानी उनको साफ संदेश ये है कि आपको जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है आपके कोर्स के लिए वो आपने फुलफिल नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आप बीएचयू बीए के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भरना था, अगर आपने जनरल टेस्ट या लैंग्वेज में से कोई एक भी छोड़ा है तो आप उसके लिए इलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं इलिजिबिलिटी की, जिनको शो कर रहा है इलिजिबल। देखिए इलिजिबल शो करने का मतलब बस ये है कि आप उस कट ऑफ में आने के लिए या फिर उस काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल हैं, यानी जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया मांगा जा रहा है उसके लिए आप जो भी उसका क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिलेक्शन हो गया है। यानी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जिनको जो लोग इलिजिबल शो कर रहे हैं वो लोग अगले कट ऑफ का वेट करें, अगर या फिर पिछले कट ऑफ में उनका आ गया रिजल्ट तो फीस पेमेंट करें। जिनका नॉट इलिजिबल दिखा रहा है तो फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने बीएचयू के क्राइटेरिया को फॉलो किया है फिर भी मेरा नॉट इलिजिबल दिखा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम बीएचयू के ऑफिस में आपके उस डाटा को लेकर के बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, हर प्रकार की बीएचयू की सही अपडेट सूचनाएं और जानकारियां समय से और सही जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।